क्या आप लोगों को पता है, हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, यानी हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों जितने। न्यूरॉन्स और उनके हिस्से एक्सोन, डेंड्राइट, सिनेप्सिस और सेल बॉडी से दिमाग में एक नेटवर्क बनता है। कई न्यूरॉन्स के अपने पड़ोसियों के साथ हजारों कनेक्शन होते हैं, दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने के लिए बनाए गए डेंड्राइट नामक रास्ते इन नर्व सेल को सिनेप्सिस तक फैलाते रहते हैं, कॉन्शियसनेस का एक पूरा नेटवर्क बनने तक। अगर इंसानी दिमाग की सूचना को बिट्स में नापे, न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्शंस की कुल संख्या निकलेगी करीब 1000 खरब बिट। यानी दिमाग एक छोटी सी जगह में बहुत बड़ी चीज है, और यही है हर एक चीज की शुरुआत की वजह। लेकिन एक सवाल है जो इस शुरुआत को और भी अहम बना देता है, क्या हम पूरे ब्रह्मांड को कभी जान सकेंगे? और क्या कभी ऐसा होगा कि ये हमें जान पाएगा?